नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है। साथियों, युग परिवर्तन का समय है, संध्या बेला है। आप सभी अपना ध्यान रखें। अभी बेयम बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना है और लगभग 120 से 130 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से एक साइक्लोन दाना आ रहा है, जिसे हम दाना भी कह सकते हैं। मोस्ट अफेक्टेड एरिया है ये उड़ीसा का जो पुरी क्षेत्र और जो जगन्नाथ धाम पुरी क्षेत्र है, जो डिंगुचा माता का मंदिर है। 10 जिले अफेक्टेड होंगे इसमें उड़ीसा के मुख्य रूप से, और आपके जो सागर द्वीप एरिया है, क्षेत्र है, और पश्चिम वेस्ट बंगाल भी से काफ़ी तरीके से अफेक्टेड होगा। और इसका क्लाउडी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे झारखंड में और जहाँ मैं हूँ छत्तीसगढ़ में भी इसका क्लाउड लास्ट पिछले दिवस से शाम से स्टार्ट हो गई है। और ठंडी जो हवाएं हैं, बादल का जो क्लाउड का जो कंटिन्यूटी और जो एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है, ये सब वेल प्लान है, प्री ऑर्गेनाइज है। ये सारे चीज़ें पहले इसकी इतिहास, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है साथियों। इसको कई बार अवगत भी कराया जाता रहा है आपको, कुछ धर्म ग्रंथों के द्वारा, कुछ भविष्य मालिका उड़िया कल्चर में इनको बताया गया है इस साइक्लोन। और जैसे 2029 में एपोफिस करके एस्ट्रॉइड जो टकराने वाला है धरती से, जिसको नासा ने, इसरो ने भी सत्यापित कर दिया कि ठीक है, ये होने वाला है। तो देखिए, ये समय आप जो विश्व परिस्थिति देख रहे हैं, जो महामारी, जो विभिन्न तरीके के जो नरसंहार, जो सिविल वॉर, जो आर्थिक जो तंगी और क्लैसेस, इकोनॉमिक जो आप देखेंगे कि जो शेयर मार्केट्स का किस तरीके से गिरना, या युद्ध की जो परिस्थितियां बनी, युद्ध जनित जो परिस्थितियां, जो वर्ल्ड ऑर्डर दो गुटों में विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 3 का भी एक संकेत है जो टाइम तक चलता है, एक साथ नहीं हो जाता कह के आज की परिस्थिति में। क्योंकि जो यथार्थवादी है ना, जो रियलिस्टिक है, इसने 3 थ्योरी भी दिए थे कि 3 S बोलते हैं जिसको हम, सर्वाइवल, स्टेटिज्म, और एक है जो सह अस्तित्व की बात करता है, आप सर्वाइवल की बात करता है, और राज्यत्व, स्टेटिज्म राज्यत्व की बात करता है, और सेल्फ डिफेंस अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए कि वो क्या कर सकता है स्टेट, ये है। बट जैसे जो नेचर का वार है, जो नेचर का प्रकोप है, जो नेचर ने जैसे ये देखो एकदम आंधी, ये जो हवा चली, ये देखो खिड़की दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो ये वो साइक्लोन की वजह से आप वही है। ये चेतावनी वीडियो था, अपना ध्यान रखें, हिट करेगा, ठीक है। और ये है कि देखो यहाँ कुछ नए टॉपिक फिलोसफी पर तरीके से तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि आपकी सेफ्टी सुरक्षा की बात है यहाँ पे। कृपया अपना ध्यान रखें। ये दाना जो पहले से सब पटकथा लिखा जा चुका है, सब जो होने वाला है, जो हो रहा है, और एक आपको, आप जैसे अपने परिवार का, अपने इससे क्या है, काफ़ी मात्रा में फसलों के भी नुकसान होने की संभावना है। जैसे अभी भी देखेंगे तो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में इंडिया 105वें नंबर पे आ रहा है साथियों। और इस तरीके से देखिए, अभी ये बड़ा एरिया, अभी धान कटाई का टाइम है, धान पक के तैयार हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, हमारे उड़ीसा में, झारखंड में। तो ये जो साइन देखो, ये जो रेनफेड एरिया है, वर्षा सिंचित क्षेत्र से सब होते हैं, और अभी धान पक के तैयार हुए हैं, और ये जो तूफान साइक्लोन आ रहा है, तो इससे काफ़ी बड़े एरिया में आप देखेंगे, इससे काफ़ी बड़े एरिया में अगर इंडिया का इसको ये हिट कर रहा है ना, तो काफ़ी बड़े एरिया में वो हिट करेगा, इसलिए काफ़ी जो फसल है ना इस एरिया के, इसके नुकसान होंगे। तो आने वाले समय में हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर युद्ध जनित परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं। तो आने वाले समय में इससे जो अकाल, फेमाइन है, अकाल की संभावना बढ़ जाएगी, भुखमरी की संभावना बढ़ेगी, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण की संभावना भी बढ़ेगी। तो आप सभी थोड़ा, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऑर्गेनिक कल्चर में आइए,
प्रकृति को सहेजने की बात करिए, संरक्षण की बात करिए, ना कि शोषण की। देखो जो कंजर्वेशन माइंडसेट है ना, जो संरक्षण माइंडसेट है, वही सस्टेनेबल होता है, सतत होता है और हमेशा के लिए होता है। वो हमेशा बनकर अपना रिजनरेट करेगा और आगे बढ़ेगा और चलेगा। लेकिन आप किसी चीज़ को शोषण करने पे आ जाते हैं ना, तो प्रकृति भी उसका विनाश करने पे आ जाती है। आपके जो माइंडसेट से, आपके विचार से लेकर आपके भौतिक परिवर्तन को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। तो देखना इससे आने वाले समय में, नेक्स्ट ईयर जो आएगा, इसमें अकाल से लोगों को, भुखमरी से जूझना पड़ेगा। अभी ये जो इस टाइम में देखो इतना बड़ा साइक्लोन का ना, अक्टूबर के मंथ में, तो ऐसा होता नहीं था जनरली। और फसल कटाई का समय है, तो इससे बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, पूरा फसल बर्बाद होंगे। लोगों को, बहुत लोगों को इवैक्यूएट किया गया है NDRF टीमों के द्वारा। लेकिन राहत शिविर जहां आप रहेंगे, तो वहां भी तो आपको फूड, आपको शेल्टर, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। बट ये सारी चीज़ें आपने प्रकृति का जिस तरीके से विनाश करा है, जिस तरीके से दोहन करा है, जिस तरीके से शोषण करा है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो आप देखो ये इन चीज़ों से आप पछतावा क्या करें, जब चिड़िया चुग गए खेत ना, अब तो भोगना पड़ेगा उन चीज़ों को। लेकिन जितना जल्दी हो सके, जितने सही से हो सके, आप अपने में, अपने परिस्थिति, परिवेश में, अपने वातावरण में, अपने घर परिवार समाज में, आप जिन भी क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तटीय क्षेत्र में रहते होंगे, या कोई घाटी क्षेत्र में रहते होंगे, आप जिन भी क्षेत्र में, या कोई रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं, आप मैदानी क्षेत्रों में हैं, सवाना में हैं, तो आप जिस भी क्षेत्रों में रहते हैं ना, आप वहाँ के नेचर, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, उसको कंजर्व करना सीखें, संरक्षित करना सीखें। और जो आपका विकास कार्य होते हैं, आपके जो संरक्षण संवर्धन के कार्य होते हैं, ये इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, कोऑपरेटिव हो। इस अवधारणा से और इस एक आइडियोलॉजिकल आपको एक फिलॉसफी दर्शन रखना है माइंड में, और उस अनुरूप अपना विकास कार्य करें। सरकारें, MNCs जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, सरकारें, ये जो अगर आपके जो संसाधन है, जल जंगल जमीन है, खनिज है, शोषण करने के लिए प्रकृति का नाश करती है, इसका पुरजोर विरोध करें। सत्य के लिए खड़े रहें, सदा सत्य के लिए खड़े रहें, अपने राइट्स, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहें। कोई सरकार, कोई संस्था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपके अधिकार, आपके परिवेश से बढ़कर नहीं है। आपकी प्रकृति है, आपकी परमात्मा है, जो परमात्मा ने आपको प्रकृति स्वरूप में दिया है। अगर उसको, चाहे कोई गवर्नमेंट, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था, या कोई आपके लोकल कम्युनिटी के लोग, या आपके कैसे भी राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा से, या कोई कारोबारी हैं, किसी भी तरीके से अगर प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, मोलिस्ट कर रहे हैं, या जो एक परिवेश है जो परमात्मा ने बनाया है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोलॉजी है, जो हैबिटाट है, वन्य पशुओं का है, पालतू पशुओं का है, अगर इसको विनाश करता है ना, तुरंत उसका विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। नहीं तो इस तरीके की आपको प्राकृतिक आपदा, युद्ध, प्रलयकारी महामारी, हमेशा आपको इसका दंश देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और आपके आने वाली पीढ़ी से, आप कितने भी संपत्ति बना ले, कुछ भी कर ले, वो पैसा काम का नहीं है। वो संपत्ति, वो वेल्थ, आपकी जो कार, मोटर, बंगला खड़े कर ले, वो काम की नहीं। अभी पूरी मान लो आपने बहुत बड़ा बंगला, कार, गाड़ी खड़ा कर रखा था, तो आपको तो इवैक्यूएट करके वहाँ कोस्टल एरिया से आपको जाना पड़ेगा ना, जब साइक्लोन दाना आ रहा है। तो इन चीज़ों को आप समझें, जाने और पुरजोर विरोध करें, संघर्ष करें। संघर्ष से ही शांति होती है, और संघर्ष से ही क्रांति होती है। संघर्ष करते रहें, और नया युग संध्या बेला है, नए युग, नए परिवेश के लिए आप इस परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व निश्चावर करके, ये ना सोचें, देखो जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध करना पड़ेगा, जो सत्य है वो सत्य, सत्य का समर्थन करना पड़ेगा। तो आप प्रकृति को, सबको सहेज कर, पर्यावरण के अनुरूप, परमात्मा के अनुरूप अपना क्रांतिक कर्म को करें। ठीक है, नमस्कार साथियों, अपना और अपने परिवार का, अपने समुदाय का, और इसमें सारे लोगों का, एक मानव समुदाय, सबका ख्याल रखें, संरक्षण करें। ठीक है, नमस्कार, इसी मैसेज के साथ हम दाना साइक्लोन से आप सभी को सुरक्षित रहने के लिए दुआ करते हैं। ठीक है।